हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 8th स्टैंडर्ड, हिस्ट्री का लेसन 3rd, इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल अब हम देख रहे हैं। इस लेसन को स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे बहुत सारे बच्चों का फ़ायदा हो सके। चलिए हम ये लेसन स्टार्ट करते हैं। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया। इस लेसन में हम देखेंगे कि ब्रिटिश रूल के क्या इफ़ेक्ट्स हुए थे इंडिया पर। जब ब्रिटिश रूल हो हमारे कंट्री पर स्टार्ट हुआ तो उसकी वजह से क्या क्या इफ़ेक्ट्स आए। तो हम सभी जानते हैं कि ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री पे बहुत सालों तक राज किया, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे बैड इफ़ेक्ट्स भी बोल सकते हैं, डिसएडवांटेज हमारी कंट्री को बहुत सारे हुए। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में किस तरह आए। तो इसमें है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। वी हैव सीन दैट ड्यू टू द ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज द यूरोपियन पावर्स रीच द इंडियन कोस्ट। तो सबसे पहले ये ज्योग्राफिकल डिस्कवरी के सहारे, मतलब भौगोलिक जिसे हम खोज कह सकते हैं, उसके सहारे यूरोपियन पावर्स जो हैं वो इंडियन कोस्ट तक पहुँच गई थी। मतलब जो भी इंडिया का जो ओशंस या समुद्र वाला किनारा है वहाँ तक वह पहुँच गए। ऑल द यूरोपियन इंक्लूडिंग पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच एंड ब्रिटिश एंटर्ड द रेस फॉर कैप्चरिंग द इंडियन मार्केट। इस तरह से सिर्फ ब्रिटिशर्स ही नहीं, तो यूरोपियन जिसमें इंक्लूड थे पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच और साथ में ब्रिटिश भी थे, ये सभी की रेस लगी हुई थी कि किस तरह हम इंडिया की तरफ आएं और इंडियन मार्केट को कैप्चर करें। व्हेन द ब्रिटिश केम टू इंडिया फॉर ट्रेड पर्पस द पोर्तुगीज हैड ऑलरेडी सेटल्ड हियर एंड दे हैव अ बिटर रेजिस्टेंस। तो ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए उसके पहले ही पोर्तुगीज लोग यहाँ पर पहुँच चुके थे, बस चुके थे और उनके बहुत ही ख़राब ऐसा प्रभाव यहाँ पर था। लेटर फ्रेंडली रिलेशंस डिवेलप बिटवीन देम बट टू एस्टैब्लिश द डोमिनेशन ओवर इंडिया द ब्रिटिश हैड टू फेस अपोजिशन फ्रॉम फ्रेंच, डच एंड लोकल रूलर्स। अब जब ब्रिटिशर्स भी यहाँ पर आए तो शुरुआत में उन्हें यह सारा अपना जो मार्केट है यहाँ फैलाने में दिक्कत आई, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर कौन कौन से अपोजिशन थे उनके लिए, फ्रेंच थे, डच थे और लोकल जो रूलर्स थे, मतलब फ्रेंच आ चुके थे, डच थे, पोर्तुगीज, ये सभी और इंडियन रूलर्स भी उन्हें सबसे पहले तकलीफदेह मालूम हुए। ब्रिटिश एंड मराठास। मुंबई वॉज द मेन सेंटर ऑफ ब्रिटिश इन वेस्टर्न इंडिया। अब मुंबई जो था वो मेन सेंटर था किसके लिए, ब्रिटिशर्स के लिए, क्योंकि मुंबई के समुद्र की तरफ से ही यह लोग सारे फॉरेनर्स हमारे यहाँ आए थे। दे वर ट्राइंग टू अक्वायर द नियर बाई टेरिटरीज बट द मराठास हैड स्ट्रॉन्ग होल्ड ओवर इट। तो सबसे पहले उन्होंने ट्राई किया कि जो नियर बाई टेरिटरीज है, नियर बाई जो क्षेत्र हैं वो हम सबसे पहले ले लें। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, आफ्टर द डेथ ऑफ पेशवा माधव राव हिज अंकल रघुनाथ राव अप्रोच्ड फॉर हेल्प फ्रॉम द ब्रिटिश ड्यू टू हिज ग्रीड फॉर पेशवाशिप। दिस लेड टू द एंट्रेंस ऑफ द ब्रिटिश इन मराठा पॉलिटिक्स। अब मराठा पॉलिटिक्स में ब्रिटिशर्स कैसे आए, तो जब पेशवा माधव राव की डेथ हुई तो उसके जो अंकल थे रघुनाथ राव, उन्होंने अप्रोच किया किससे, ब्रिटिशर्स की मदद मांगी कि मुझे पेशवा के पद पर बैठना है। और इस तरह से जो ब्रिटिशर्स थे मराठा पॉलिटिक्स में एंटर हो गए। ड्यूरिंग 1774 to 1818 थ्री वॉर्स वर फॉट बिटवीन द मराठास एंड द ब्रिटिश। इस तरह 1774 से लेकर 1818 तक तीन ऐसे युद्ध हुए जो मराठास और ब्रिटिशर्स के बीच में हुए। ड्यूरिंग द फर्स्ट वॉर द मराठास यूनाइटेडली फेस द ब्रिटिश एंड हैंस प्रूव्ड सुपीरियर। तो पहला जो वार था उसमें मराठास जो है वो एक होकर यूनाइटेडली उन्होंने ब्रिटिशर्स को फेस किया और अपने आप को सुपीरियर बताया। इन 1782 विद द ट्रीटी ऑफ सलबाई द फर्स्ट एंग्लो मराठा वार केम टू एन एंड। अ सेकेंड में जो हुई इनके बीच में संधि हुई, सलबाई की संधि ऐसा, या फिर उससे हम ट्रीटी बोल सकते हैं 1782 में, जिसकी वजह से एंग्लो मराठा वार ख़त्म हुआ, ये हो गए दो। और सब्सिडरी अलायंस हुआ इन 1798। लॉर्ड वेल्सली अराइव्ड इन इंडिया एज गवर्नर जनरल। हिज ऑब्जेक्टिव वॉज टू एस्टैब्लिश द ब्रिटिश डोमिनियन ऑल ओवर इंडिया। अब 1798 में जब लॉर्ड वेल्सली भारत आया गवर्नर बन के, तो उसका ऑब्जेक्टिव था कि ब्रिटिश डोमिनियन को पूरे इंडिया में, मतलब
लाया जाए। फॉर दिस ही सीज द सब्सिडरी अलायंस विथ मेनी इंडियन रूरल्स रूलर्स। उसने क्या कि अब जितने भी इंडिया के बहुत सारे ऐसे जो शासक थे, जो राजा थे, उनको उनसे साइन करवा के लिया कि हम तुम और हम मिलकर सब्सिडरी अलायंस के रूप में काम करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस अलायंस द इंडियन रूलर्स वर अशर्ड ऑफ ब्रिटिश मिलिट्री हेल्प। इसके अनुसार जो रूलर्स थे, इंडियन रूलर्स थे, जो वो ब्रिटिश मिलिट्री को हेल्प करेंगे, ऐसा एक संधि उन लोगों के बीच में हुई। देयर वर सम टर्म्स लेड ऑन देम। और उनके बीच में कुछ टर्म्स भी, कुछ कंडीशंस भी अप्लाई किए गए। द इंडियन रूलर्स हैव टू मेंटेन ब्रिटिश आर्मी इन देयर कोर्ट एंड हैव टू पे कैश और पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी टू द कंपनी फॉर इट्स मेंटेनेंस। इंडियन रूलर्स ने क्या करना चाहिए, किस तरह की संधि थी कि इंडियन रूलर्स ब्रिटिश आर्मी को अपने कोर्ट में रखेंगे और उसके बदले में उन्हें कुछ कैश देंगे या फिर कुछ प्रदेश जो है वह कंपनी को प्रोवाइड करेंगे। किस लिए, कि मेंटेनेंस के लिए, क्योंकि आर्मी को मेंटेनेंस की ज़रूरत है या फिर उस प्रदेश को भी देखरेख करने के लिए यह लोग, इंडियन रूलर्स जो हैं, हेल्प करेंगे ब्रिटिश आर्मी को और उसके बदले में ब्रिटिश आर्मी इनकी मदद करेगी। द रूलर वुड नॉट have any alliance with any other power or declare war against any power without the intervention of the British। यह भी एक रूल था कि ये जो रूलर है, जो ये राजा हैं, वह इस तरह का किसी भी तरह का युद्ध नहीं करेंगे without permission of intervention of the British। मतलब ब्रिटिश पावर के साथ मिलकर ही अगर कोई युद्ध करना है तो करेंगे, अदरवाइज अकेले कोई युद्ध नहीं करेंगे। द रूलर वुड एक्सेप्ट अ ब्रिटिश रेसिडेंट इन हिज स्टेट। सम इंडियन रूलर्स एक्सेप्टेड द सिस्टम एंड लॉस्ट देयर फ्रीडम। और द रूलर वुड एक्सेप्ट अ ब्रिटिश रेसिडेंट। और रूलर उन्हें जो ब्रिटिश रेसिडेंट है, मतलब अगर ब्रिटिशर्स जो हैं रहना चाहते हैं वहाँ पर उनके शासन में, उनके राज्य में, तो उन्हें रेसिडेंट अलाउ किया जाए, घर दिए जाएँ, क्षेत्र दिए जाएँ, इस तरह के कुछ रूल्स ब्रिटिशर्स ने इंडियन रूलर्स राजाओं के सामने रखे, जिसमें कि कुछ ब्रिटिश रूलर्स ब्रिटिशर्स की बातें कुछ रूलर्स ने मान ली और अपना फ्रीडम, अपना जो स्वतंत्रता वह खो दिया। इन 1802 बाजीराव सेकेंड साइन द सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी विद द ब्रिटिश। इसी तरह का एक सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी जो था, बाजीराव सेकेंड ने भी 1802 में साइन किया ब्रिटिशर्स के साथ। दिस अलायंस इज़ वेल नोन एज द ट्रीटी ऑफ वसई, और इसे वसई का की संधि कहा जाता है। बट दिस ट्रीटी वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू सम मराठा सरदार्स। तो ये ट्रीटी तो पेशवा ने कर ली, लेकिन बाजीराव ने कर ली, लेकिन यहाँ पर जो था ना, कुछ मराठा सरदार को यह ट्रीटी, यह संधि बिल्कुल भी मान्य नहीं थी। दिस लेड टू द सेकेंड एंग्लो मराठा वार, और इसकी वजह से सेकेंड एंग्लो मराठा वार यह युद्ध हुआ। आफ्टर द विक्ट्री ऑफ ब्रिटिश देयर वॉज इंक्रीज्ड इंटरफेरेंस ऑफ ब्रिटिश इनटू द मराठा स्टेट। और इसके बाद आफ्टर द विक्ट्री ऑफ ब्रिटिश इनटू द मराठा स्टेट, इस तरह से जो ब्रिटिशर्स थे वो मराठा राज्य में एंटर कर गए और उन्हें जीत विजय मिली। एंड दिस बिकम इनटॉलरेबल एंड बाजीराव सेकंड वेक्ड अ वार अगेंस्ट द ब्रिटिश। और जब ये ब्रिटिशर्स मराठा स्टेट में पूरी तरह से पहुंच गए तो यह इनटॉलरेबल हो गया बाजीराव सेकंड के लिए, और फिर उसने युद्ध पुकारा ब्रिटिशर्स के विरुद्ध। ही वॉज डिफीटेड इन दिस बैटल, और इस युद्ध में वह हार गया। एंड इन 1818 ही सरेंडर टू ब्रिटिश, और उसने ब्रिटिशर्स के आके सरेंडर कर दिया 1818 में। अब इट वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ दौलतराव शिंदे। इन द मीन टाइम द कैपिटल ऑफ मुगल्स वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ दौलतराव शिंदे। लेकिन ऐसे समय में जो मुगल्स लोगों की कैपिटल थी, जिसे दिल्ली कहा जाता था, वो कंट्रोल में थी किसके, मराठास के, जिसका नाम था दौलतराव शिंदे। बाय डिफीटिंग द ट्रूप ऑफ शिंदे जनरल लेक कैप्चर द मुगल एम्परर एंड गेन विक्ट्री ओवर हिंदुस्तान। लेकिन ऐसे समय में इन ब्रिटिशर्स ने उस शिंदे जो थे उनको भी हराया और मुगल एम्परर को भी कैप्चर कर लिया, पकड़ लिया, और इस तरह हिंदुस्तान पर इन्होंने जीत हासिल की। छत्रपति प्रताप सिंह कौन थे? ऑल्दो द पेशवाशिप केम टू एन एंड, छत्रपति प्रताप सिंह ऑफ सातारा वॉज स्टिल रूलिंग। तो ऐसे समय में जबकि पेशवाशिप जो थी वह भी ख़त्म हो गई थी, पेशवाई ख़त्म हो चुकी थी, छत्रपति प्रताप सिंह जो थे सातारा में वो अब भी शासन कर रहे थे। ब्रिटिशर्स साइंड अ ट्रीटी विद छत्रपति प्रताप सिंह।
and appointed Grant Duff as an officer to assist him in the state affairs. अब यहाँ जाकर ब्रिटिशर्स ने फिर से जो यहाँ के प्रताप राव छत्रपति प्रताप राव सिंह थे उनके साथ में एक ट्रीटी साइन की, जिसके अंतर्गत ग्रांट डफ जो था ऑफिसर, ब्रिटिश ऑफिसर, वह उनके सहयोग के लिए छत्रपति प्रताप सिंह को हेल्प करने के लिए वहाँ पर अपॉइंट कर दिया गया. बट लेटर द छत्रपति वॉज डीथ्रोन एंड एक्सल टू काशी. और धीरे धीरे करके ब्रिटिशर्स ने वह जो सिंहासन था छत्रपति का वह भी छीन लिया, उनको डीथ्रोन किया, मतलब उस सिंहासन से उतार दिया और उनको काशी भेज दिया. ही डाइड देयर इन 1847, जहाँ जाकर उनकी डेथ हुई 1847 में. रंगो बापूजी गुप्ते, अ लॉयल ऑफिसर ऑफ छत्रपति, फॉर द लीगल बैटल एंड वेंट अप टू द इंग्लैंड, बट हिज एफर्ट्स वर अनसक्सेसफुल. अब देखिए, रंगो बापूजी गुप्ते जो थे एक लॉयल ऑफिसर थे छत्रपति के, उन्होंने लड़ाई की, लीगल बैटल किया, इंग्लैंड तक गए, लेकिन उनके जो भी एफर्ट्स थे वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए. लेटर लॉर्ड डलहौजी रिजेक्टेड द अडॉप्शन पॉलिसी एंड इन 1848 एनेक्स्ड द स्टेट ऑफ सतारा. और बाद में लॉर्ड डलहौजी जो था उसने रिजेक्ट किया अडॉप्शन पॉलिसी को 1848 में, और उसके बाद उसने सतारा को भी ले लिया, छीन लिया. अब छत्रपति प्रताप सिंह कौन थे? छत्रपति प्रताप सिंह मेड प्रोविजंस ऑफ वाटर टू सिटी. जो छत्रपति प्रताप सिंह सातारा के थे, उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए थे, जिसमें उन्होंने सिटी में वाटर प्रोविजन, मतलब पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था की थी, बाय बिल्डिंग अ वाटर टैंक ऑन द बैक साइड ऑफ योतेश्वर टेम्पल एंड महादरा इन सातारा. सातारा में उन्होंने योतेश्वर टेम्पल है और जो महादरा कहा जाता है सतारा में, वहाँ पर बड़े बड़े वाटर टैंक की सुविधा उपलब्ध करके दी. रोड्स वर बिल्ट इन द सिटी, रोड्स बनाए गए सिटीज़ में. ट्रीज वर प्लांट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड, रोड के दोनों साइड उन्होंने झाड़ लगवाए. और स्कूल्स वर बिल्ट फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स फॉर टीचिंग संस्कृत, मराठी एंड इंग्लिश. एंड उन्होंने बहुत अच्छे स्कूल्स खोले जिसमें सभी गर्ल्स हो या बॉयज़ हो पढ़ सकते थे संस्कृत, मराठी और इंग्लिश. प्रिंटिंग प्रेस वॉज सेटअप एंड मैनी यूजफुल बुक्स वर पब्लिश्ड. उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस जो है वह डलवाई और जिसमें बहुत सारी बुक्स पब्लिश की गई. इन 1827 सभा नीति, अ बुक ऑन पॉलिटी वॉज प्रिंटेड. और ऐसे ही समय में एक अच्छी सी बुक जो थी सभा नीति नाम की 1827 में प्रिंट की गई. ही बिल्ट रोड फ्रॉम सतारा टू महाबलेश्वर टू प्रतापगढ़. उन्होंने बहुत अच्छा सा रास्ता बनवाया सतारा से महाबलेश्वर और वहाँ से प्रतापगढ़ तक के लिए. द सेम रोड फर्दर एक्सटेंडेड टू महाड, और वही रोड आगे चलकर महाड तक कंटिन्यू हुआ. छत्रपति प्रताप सिंह यूज टू राइट पर्सनल डेली डायरी. और छत्रपति प्रताप सिंह रोज अपनी डायरी भी लिखा करते थे. इफ़ेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया. अब ब्रिटिश रूल का इंडिया पर क्या इफेक्ट हुआ? डुअल गवर्नमेंट. रॉबर्ट क्लाइव इन 1765 इंट्रोड्यूस द डुअल गवर्नमेंट सिस्टम इन बंगाल. रॉबर्ट क्लाइव जो था, जो 1765 में आया ब्रिटिश अधिकारी, उसने डुअल गवर्नमेंट सिस्टम बंगाल में शुरू किया. द कंपनी अंडरटुक द वर्क ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वेयर इज द नवाब ऑफ बंगाल हैड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. देखिए, इस डुअल गवर्नमेंट सिस्टम में क्या पॉलिसी थी कि जो कंपनी रहेगी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी या जो ब्रिटिशर्स की कंपनी थी, उन्होंने क्या काम लिया कि वह जो रेवेन्यू कलेक्शन किया जाएगा, जो भी टैक्सेस वगैरह हैं, वो कलेक्शन के सारे काम, पैसे वाले, फाइनेंशियल से संबंधित जो भी काम है, वो सब ब्रिटिशर्स करेंगे और नवाब सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर चलाएगा. कहाँ पे? अपने राज्य में. मतलब सिर्फ तुमका राज्य चलाओ और हम सिर्फ पैसा कलेक्ट करेंगे. ऐसी वाली जो पॉलिसी थी वह किसकी थी? ब्रिटिशर्स की. दिस वॉज नोन एज डुअल गवर्नमेंट सिस्टम, और इसे ही डुअल गवर्नमेंट सिस्टम के नाम से जाना गया. द इल इफेक्ट्स ऑफ डुअल गवर्नमेंट सिस्टम कुड बी सीन आफ्टर सर्टन टाइम पीरियड. मनी इन फॉर्म ऑफ टैक्सेस वेंट इन टू द पॉकेट्स ऑफ कंपनी ऑफिसर्स. द मोनोपोली ऑफ ट्रेड इन इंडिया वॉज गिवन टू ईस्ट इंडिया कंपनी एंड हैंस मैनी ट्रेडिंग कंपनीज इन इंग्लैंड. एंड बीट देम. देखिए, जितना भी इन्होंने रेवेन्यू कलेक्शन का काम किया, सारा अपने में ले लिया, और इस तरह से ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी और भी कंपनीज इसमें जुड़ गई, और इन्होंने रेवेन्यू कलेक्शंस के काम करके बहुत सारा पैसा अपने
आप में ले लिया। द वर्किंग सिस्टम ऑफ द कंपनी इन इंडिया रिसीव्ड क्रिटिसिज्म इन इंग्लैंड एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस्ड सम इम्पॉर्टेंट लॉज टू कीप कंट्रोल ओवर द कंपनी। ऐसे समय में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थे उन्हें उन्होंने भी कुछ लॉज बनाए कि इस तरह की जो कंपनीज है अगर चाहे वो इंग्लैंड की भी हो उन पर कुछ कंट्रोल होना चाहिए। तो कुछ लॉज बनाए गए क्योंकि इंडिया से इन्हें बहुत क्रिटिसिज्म मिल रहा था क्योंकि यह लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ पैसा कलेक्शन का काम कर रहे थे और रूलर्स लोगों को तंग कर रहे थे। पार्लियामेंट्री लॉज क्या था? अकॉर्डिंग टू रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 द बंगाल गवर्नर केम टू बी नोन एज द गवर्नर जनरल। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड ही गॉट द राइट टू कंट्रोल द पॉलिसीज ऑफ मुंबई एंड मद्रास प्रोविंसेस। अ कमिटी ऑफ 4 मेंबर्स वॉज सेटअप टू असिस्ट हिम। देखिए पार्लियामेंट्री लॉज जो है वह भी अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश बनने लगे और उन्होंने 1773 में बंगाल गवर्नर जो था उसको गवर्नर जनरल बना दिया और उसमें कौन था, वह लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स था जो कि गवर्नर जनरल बना इंडिया का और उसको कंट्रोल करने का, जारी जो पॉलिसीज थी उनको कंट्रोल करने का उसको अधिकार मिल गया। वो मुंबई और मद्रास के प्रोविंसेस से जो भी संबंधित राइट्स थे वहाँ के जितने भी राज्य थे उनसे संबंधित सभी पॉलिसीज को कंट्रोल करने का काम किसके हाथ में आ गया, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स जो कि गवर्नर जनरल बन चुका था। अ कमिटी ऑफ 4 मेंबर्स वॉज सेटअप टू असिस्ट हिम और एक 4 मेंबर्स वाली कमेटी उसको असिस्ट करने के लिए बनाई गई। इन 1784 पेट्स इंडिया एक्ट वॉज पास्ड। द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ परमानेंट बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर बेटर रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पास किया गया। इस एक्ट में यह बताया गया कि फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ परमानेंट बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर बेटर रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, कि एक परमानेंट बोर्ड बनाया जाएगा जो ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से कंट्रोल करेगा और उसके बेटरमेंट के लिए काम करेगा। इन 1833 एंड 1853 न्यू लॉज वर पास्ड बाय द पार्लियामेंट टू मेक सर्टन चेंजेस इन द वर्किंग ऑफ द कंपनी। और 1853 में कुछ लॉज पास किए गए पार्लियामेंट में कि कुछ चेंजेस किए जाएंगे कंपनी के काम में। इन दिस वे देयर इवॉल्व्ड एन इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनाई गई थी तो धीरे धीरे उस पर पूरी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। नाम के लिए तो आए थे वो इंडिया के साथ व्यापार करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे इस कंपनी की सहायता से पूरे देश पर इन्होंने अपना शासन बनाना शुरू कर दिया। विद द एमर्जेंस ऑफ ब्रिटिश रूल अ न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम गॉट डिवेलप्ड इन इंडिया। सिविल सर्विसेज, मिलिट्री, पुलिस फोर्स एंड जुडिशियल सिस्टम बिकेम द मेन पिलर्स ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। अब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के जो पिलर्स थे वह कौन कौन से थे, एक तो सिविल सर्विसेज में, मिलिट्री में, पुलिस फोर्स में और जुडिशियल सिस्टम। ये 4 सिस्टम्स मिलाकर इन्होंने अपना जो ब्रिटिश पावर का पिलर था वो यहाँ पे खड़ा कर दिया था। अब सिविल सर्विसेज क्या थी? टू स्ट्रेंथन द ब्रिटिश रूल इन इंडिया देयर वॉज अ नीड ऑफ ब्यूरोक्रेट्स। अब अगर हमको इंडिया पे शासन करना है तो हमें एडमिनिस्ट्रेशन करना अच्छा रखना पड़ेगा। यह अंग्रेजों ने ताड़ा और इस तरह से अपनी पॉलिसी बनाई और उन्होंने फिर क्या किया कि यहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स मतलब कुछ ऑफिसर्स होना चाहिए जो ये एडमिनिस्ट्रेशन चला सके। इसके लिए इन्होंने सिविल सर्विसेज का अरेंजमेंट किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस ब्यूरोक्रेसी और इस तरह से ऑफिसर्स और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ब्यूरोक्रेसी आ गई और लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है उसने यह पॉलिसी यहाँ पर लाई। सिविल सर्विसेज बिकेम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। ही रिस्ट्रिक्टेड द प्राइवेट ट्रेड कैरीड आउट बाय द कंपनी ऑफिसर्स एंड फॉर दिस पर्पस ही इंक्रीज्ड देयर सैलरी। सिविल सर्विसेज जो थी यह एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया ब्रिटिश गवर्नमेंट का। उसने रिस्ट्रिक्ट किया प्राइवेट ट्रेड को कि जो भी प्राइवेट अगर कोई व्यवसाय कर रहा है, प्राइवेट ट्रेड कर रहा है, तो वह कैरीड किया जाएगा कंपनी ऑफिसर्स के थ्रू और इसके लिए उसे एक अच्छी सैलरी भी दी जाएगी। फॉर द कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ही डिवाइडेड द ब्रिटिश ऑक्यूपाइड टेरिटरीज इनटू डिस्ट्रिक्ट। और इस कन्वीनियंस के लिए उसने जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो भी ऑफिस वर्क था,
उसको ना ब्रिटिश ऑक्यूपाइड जो क्षेत्र थे जहाँ पर बहुत सारे ब्रिटिशर्स थे वहाँ पर उसने डिवाइड कर दिया। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वॉज द चीफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को इस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का चीफ बना दिया। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, और वो जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रहेगा वो कलेक्शन करेगा रेवेन्यूज़ का, ऐसा उसने बता दिया। गिविंग जस्टिस मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, उसे ही यह हक दिए गए कि वह रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, जस्टिस देगा और लॉ एंड ऑर्डर को बनाकर रखेगा। ऑफिसर्स वर अपॉइंटेड थ्रू द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नोन एज इंडियन सिविल सर्विस, और एग्ज़ाम जिसमें ऑफिसर सिलेक्ट किए जाएंगे उसके लिए उसने जो एग्ज़ाम अरेंज करवाई उसका नाम दिया गया इंडियन सिविल सर्विसेज। इसमें जो भी अच्छी तरह से इसे पास करेगा उसे ही ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा, ऐसी उसकी कंडीशन थी। मिलिट्री एंड पुलिस फोर्स, द ड्यूटी ऑफ मिलिट्री वॉज टू सेफ गार्ड द ब्रिटिश ऑक्यूपाइड रीजन्स इन इंडिया। तो मिलिट्री और पुलिस फोर्स भी यहाँ पर इसने अप्लाई करवाई। ड्यूटी जो थी मिलिट्री की वह क्यों थी कि ब्रिटिश ऑक्यूपाइड रीजन थे उनको सेफ गार्ड करना, उनको सिर्फ गार्ड करना। अक्वायर न्यू टेरिटरीज एंड ब्रेक डाउन एनी रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन इंडिया। इस ब्रिटिश मिलिट्री और पुलिस फोर्स के क्या ड्यूटीज़ थी कि यह लोग ब्रिटिश ऑक्यूपाइड जो भी क्षेत्र हैं उनको पूरी तरह से सेफ रखेंगे, नए वाले क्षेत्र अपने आप ही वो लोग लेते जाएंगे, मतलब नई नई जगह पर जाना और उन क्षेत्रों को अपने कंट्रोल में कर लेना, और अगर ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ उठाए तो उसे अपने पैरों तले कुचल देना, इस तरह की इनकी पॉलिसीज थी। टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन कंट्री वॉज द ड्यूटी ऑफ पुलिस फोर्स, और इस पुलिस फोर्स की ड्यूटी बना दी कि पूरी कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखना है। अब जुडिशियल सिस्टम क्या था, द ब्रिटिश इस्टेब्लिश्ड न्यू जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ जुडिशियल सिस्टम इन इंग्लैंड। एवरी डिस्ट्रिक्ट हैड अ सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट टू सॉल्व द लोकल केसेस फॉर रिकन्सिडरेशन ऑफ देयर जजमेंट्स, अ हाई कोर्ट वॉज एस्टैब्लिश्ड। सेम जैसा कि ब्रिटिशर्स अपनी कंट्री में करते थे उसी तरह का सिस्टम उन्होंने इंडिया में भी लागू किया, और उस सिस्टम के अनुसार उन्होंने सिविल और क्रिमिनल कोर्ट जगह जगह रखे जिससे कि लोकल केसेस सॉल्व हो जाएं, और रिकन्सिडरेशन फॉर देयर जजमेंट हाई कोर्ट भी इस्टैब्लिश किया गया कि अगर उसको रिकन्सिडर करना है तो फिर वो हाई कोर्ट में जाएं। तो यह सब इस्टैब्लिश किए गए। इक्वालिटी बिफोर लॉ, इन अर्ली टाइम्स लॉ इन इंडिया डिफर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, देयर वॉज डिफरेंस इन जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कास्टिज्म। तो पहले जो हमारे कंट्री में कास्टिज्म चलता था उसके अकॉर्डिंग लॉ एंड ऑर्डर चलते थे, लेकिन अंडर द लीडरशिप ऑफ लॉर्ड मैक्यूले अ कमिटी वॉज सेट अप टू क्रिएट द कोड ऑफ लॉ। द इंडियन पिनल कोड वॉज एनफोर्स्ड ऑल ओवर ब्रिटिश इंडिया विद ब्रिटिश प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो इन्होंने क्या किया, जो कास्टिज्म वाले जजमेंट था, जो भी न्याय दिया जाता था कास्टिज्म के आधार पर, उस सबको बदल दिया और एक कमिटी बनाई गई कोड ऑफ लॉ करने के लिए कि सभी तरह लॉ एक जैसा हो। और द इंडियन पिनल कोड वॉज एनफोर्स्ड ऑल ओवर ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया मतलब सारे ब्रिटिश आ ही चुके थे, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग पूरे लॉज यहाँ पर लाए और ब्रिटिश प्रिंसिपल और ऑफ इक्वालिटी रखी उन्होंने कि इस बिल्कुल ब्रिटिश पॉलिसीज़ के अनुसार ही सारे लॉ चलेंगे। बट देयर वर सम डिफेक्ट्स इन इट, देयर वर सेपरेट कोड्स एंड डिफरेंट लॉज फॉर द यूरोपियंस। देखिए लॉ एंड ऑर्डर तो बना दिया, लेकिन उन्होंने क्या करा कि यूरोपियंस लोगों के लिए अलग लॉ, इंडियंस लोगों के लिए अलग लॉ, इस तरह के कानून बनाए जो कि एक बहुत बड़ा डिफेक्ट माना गया। न्यू लॉज वर डिफ़िकल्ट टू बी अंडरस्टूड बाई कॉमन पीपल, जो भी लॉज बने थे वो कॉमन लोगों की समझ से बाहर थे। लीगल केसेस बिकेम एन एक्सपेंसिव अफेयर फॉर द कम्युनिटी एंड द केसेस रिमेन पेंडिंग फॉर ईयर्स टुगेदर। अब जब लीगल केसेस चल रहे थे वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाते थे क्योंकि बहुत लंबे चलते थे, जिससे कि वो बहुत सालों तक स्पेंडिंग रह जाते थे। इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश, अब इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थी ब्रिटिशर्स की। सिंस एंशियंट टाइम्स देयर वर इन्वेशंस इन इंडिया, मैनी इन्वेडर्स सेटल्ड इन इंडिया एंड वर अब्सॉर्ब्ड इन इंडियन कल्चर।
तो इंडिया पर बहुत पुराने समय से अलग अलग रूलर्स शासन करते आ रहे थे। बहुत सारे बाहर के शासक भी हमारे देश में आए, यहाँ पर सेटल हुए और इंडियन कल्चर उन्होंने अपनाया। इवन दो दे रूल्ड हियर, दे नेवर मेड एनी चेंज इन बेसिक इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम। उन्होंने यहाँ पे शासन जरूर किया इन्वेजर्स इन्वेडर्स ने, लेकिन यहाँ का जो बेसिक इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम था उसमें उन्होंने कभी चेंज नहीं किया। द ब्रिटिशर्स वर एन एक्सेप्शन, लेकिन ब्रिटिशर्स इसके एक्सेप्शन बने। इंग्लैंड वॉज अ मॉडर्न नेशन ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्रीवेल, हैज द इनकुलकेटेड एन इकोनॉमिक सिस्टम इन इंडिया विच वॉज कंडूसिव टू इकोनॉमिक सिस्टम इन इंग्लैंड। ड्यू टू दिस ब्रिटिशर्स गेंड इकोनॉमिक बेनिफिट, बट इंडिया स्टार्टेड फेसिंग इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। अब जब इन्होंने कुछ इकोनॉमिक कंडीशंस बनाए, वो भी अब अपने ब्रिटिशर्स के हित में बनाए, जिसकी वजह से उन्हें तो इकोनॉमिक बेनिफिट मिला, लेकिन इंडिया इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का शिकार हुआ। अब लैंड रेवेन्यू पॉलिसी क्या थी? बिफोर द ब्रिटिश रूल द विलेज इकोनॉमिक सिस्टम वॉज सेल्फ सफिशियंट। तो ब्रिटिश रूल के पहले हमारे जो गांव थे वो बहुत अच्छे थे, अच्छी तरह से खुद पर निर्भर थे। थ्रू एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सर्विसेज द नीड्स ऑफ विलेज आर फुलफिल्ड इन विलेज इटसेल्फ। गांव के लोग खेती करते थे और अपनी अपनी ज़रूरतों को आपस में ही पूरा कर लेते थे। लैंड रेवेन्यू वॉज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द स्टेट। ड्यूरिंग द प्री ब्रिटिश पीरियड रेवेन्यू वॉज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ कल्टिवेटेड क्रॉप। फार्मर वॉज एक्सेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेशन इन केस ऑफ लॉस ऑफ क्रॉप्स। तो ब्रिटिशर्स आने के पहले जो किसान था वो अपनी जो भी फसलें उगाता था उसके अनुसार वो रेवेन्यू देता था। अगर फसलों को नुकसान हुआ तो उसे रेवेन्यू देने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इस तरह पहले इंडिया में चलता था। रेवेन्यू वॉज मेनली कलेक्टेड इन फॉर्म ऑफ ग्रेन्स। इवन इन केस ऑफ लेट पेमेंट ऑफ टैक्स द फार्मर्स लैंड वॉज नॉट कन्फिस्केटेड। तो उस समय अगर किसी किसान को रेवेन्यू देना देने की दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो नेक्स्ट समय में उसे चुका सकता था, उसकी ज़मीन को कभी छीना नहीं जाता था। इस तरह से सारा आराम से चलता था। टू इंक्रीज इनकम द ब्रिटिश मेड इम्पॉर्टेंट चेंजेस इन द रेवेन्यू सिस्टम। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए कुछ चेंजेस किए रेवेन्यू सिस्टम में। लैंड वॉज मेजर्ड एंड एज पर द एरिया ऑफ द लैंड द टैक्स वॉज फिक्स्ड। सारी किसानों की ज़मीनों को नापा गया और नाप के अनुसार जितना ज़मीन का टुकड़ा उतना ज़मीन उतना रेवेन्यू का रेशो, इस तरह से उन्होंने डिसाइड कर दिया। द टैक्स वॉज फिक्स्ड और उसके एरिया के अकॉर्डिंग का टैक्स फिक्स कर दिया गया। पेमेंट ऑफ टैक्स वॉज मेड कंपल्सरी इन द फॉर्म ऑफ कैश और यह कहा गया कि जो भी टैक्स देंगे वो कैश के रूप में ही देंगे। इफ़ द फार्मर फेल टू पे केयर टैक्स इन द टाइम देन हिज लैंड वुड बी कॉन्फिस्केटेड। और किसानों से यह कहा गया कि कैश में ही टैक्स पे करना है, अगर वो पे नहीं कर पाएंगे उनकी ज़मीनें छीन ली जाएंगी। द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू कलेक्शन डिफर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विच लेड टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ऑल फार्मर्स। तो ब्रिटिश सिस्टम के अनुसार लैंड रेवेन्यू सिस्टम हर जगह पर हर स्थानों पर चेंज कर दिया गया, जिसकी वजह से फार्मर्स लोगों का बहुत शोषण हुआ। कंसिक्वेंसेस ऑफ न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम। अब न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम तो ब्रिटिशर्स ने लागू किया, लेकिन उसके बहुत परिणाम खराब हुए। देयर वर अनडिजायरेबल इफेक्ट्स ऑफ द न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑन द रूरल लाइफ। अब गांव की जो लाइफ थी उस पर बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया और वह लाइफ एकदम क्या हो गई, बिल्कुल ही खराब हो गई। फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस इंडियन फार्मर्स स्टार्टेड सेलिंग द क्रॉप्स एट द वॉट एवर प्राइस इट रिसीव्ड। अब इंडियन फार्मर्स को तो कैश के रूप में टैक्स देना ही पड़ना था, तो बेचारे जब उनकी क्रॉप्स अच्छी नहीं होती तो वो जितनी भी क्रॉप्स होती वो एकदम सस्ते दामों में बेच देते। कभी अपने जो भी चीज़ें उनके पास अवेलेबल होती वो रेवेन्यू चुकाने की दर से बेच देते थे। द मर्चेंट्स एंड ब्रोकर स्टार्टेड परचेसिंग देयर गुड्स एट मिनिमम रेट। और ऐसे समय में जो व्यापारी होते थे और ब्रोकर्स होते थे वह उनका फ़ायदा उठाते थे और मिनिमम रेट में उनसे ये सब चीज़ें खरीद लेते थे। एट सर्टन टाइम्स द फार्मर्स हैड टू मॉर्गेज हिज लैंड टू द मनी लेंडर फॉर अरेंजमेंट ऑफ मनी टू पे द टैक्स। और कई बार तो बेचारे किसानों को अपनी ज़मीनों को साहूकारों के पास जो लैंड लॉज रहते हैं उनके पास में दे देना पड़ता था और उनसे फिर वह बेचारे कर्ज लेते थे, लोन लेते थे। तो
तो इस तरह से उनके बहुत हाल खराब होते थे। मनी लेंडर्स फॉर अरेंजमेंट ऑफ मनी टू पे द टैक्स फार्मर्स बिकेम बैंकक्रप्ट इन केस ऑफ नॉन रीपेमेंट ऑफ लोन। द फार्मर हैड टू सेल हिज लैंड, द फार्मर वॉज एक्सप्लॉयटेड बाई द गवर्नमेंट, जमींदार, मनी लेंडर्स एंड मर्चेंट्स। और बेचारे किसान इस समय बहुत परेशानी झेल रहे थे। कई बार उन्हें ज़मीनें बेचनी पड़ जाती और कभी जो लैंडलॉर्ड्स को अगर वो लोन नहीं चुका पाए तो लैंडलॉर्ड्स उनकी ज़मीनें छीन लेते थे। टैक्स न चुकाने की वजह से जो ब्रिटिशर्स थे वह भी उन्हें बहुत परेशान करते थे, उनका घर वगैरह तक बिक जाता था। तो इस तरह से पूरी तरह से एक्सप्लॉयटेशन किसका हो रहा था, किसानों का। आगे कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, धीरे धीरे आगे किस तरह से एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन हुआ। देखिए, इनिशियली फूड ग्रेन्स वर कल्टिवेटेड बाय द फार्मर्स, इट यूज टू फुलफिल देयर डोमेस्टिक नीड्स एज वेल एज द नीड्स ऑफ द विलेज। द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड गिविंग मोर एनकरेजमेंट टू कैश क्रॉप्स लाइक कॉटन, इंडिगो, टोबैको, टी एट्सेट्रा। द प्रोसेस ऑफ गिविंग स्ट्रेस ऑन कल्टिवेशन ऑफ प्रॉफिट गिविंग कैश क्रॉप्स इंस्टीड ऑफ फूड ग्रेन्स इज नोन एज कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। देखिए, अंग्रेज़ इतने ख़राब थे कि उन्होंने सारे ज़मीनों का कमर्शियलाइजेशन, खेती का ही कमर्शियलाइजेशन कर दिया। क्योंकि टोबैको है जो है, कॉटन है, इंडिगो मतलब नील है, और टी है, इन चीज़ों की विदेशों में बहुत मांग थी। तो यह लोग क्या करते थे कि जो फार्मर्स होते थे उन्हें सिर्फ इन्हीं चीज़ों की खेती करने के लिए कहते थे, और जब इनकी फसलें तैयार हो जाती थी तो उन्हें खुद से ख़रीद लेते थे और विदेशों में अच्छे दामों में बेचकर पैसा कमाते थे। इससे किसका नुकसान हो रहा था, हमारी कंट्री का, क्योंकि फार्मर्स बेचारे फूड ग्रेन्स नहीं उगा पाते थे। क्योंकि पहले जो ये लोग खेती करते थे हमारे किसान, तो जो फूड उगाते थे वह हमारे और हमारे देश के लोगों के लिए सफिशियंट होता था। लेकिन ब्रिटिशर्स ने इस पूरी खेती का कमर्शियलाइजेशन किया और सभी को बहुत नुकसान पहुंचाया। फेमिन, अब सूखा पड़ा। देखिए, फ्रॉम 1860 टू 1900 इंडिया फेस्ड ग्रेट फेमिन, बट द ब्रिटिश रूलर्स डिड नॉट टेक मच एफर्ट्स टू ओवरकम इट। सिमिलरली नॉट मच एक्सपेंडिचर वॉज मेड ऑन प्रोविजन ऑफ वाटर सप्लाई। तो जब सूखा पड़ा तो पानी की कोई व्यवस्था ब्रिटिशर्स की तरफ से नहीं की गई। 1860 से लेकर 1900 तक का ये बहुत बड़ा सूखा पड़ा था, जिसमें ब्रिटिश रूल्स था लेकिन उन्होंने हमारी कंट्री के लिए कुछ भी मेहनत नहीं की। डेवलपमेंट इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर इंक्रीज इन ट्रेड एंड कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटिश डेवलप मॉडर्न फैसिलिटीज़ लाइक ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन इंडिया। देखिए, ब्रिटिशर्स इतने ख़राब थे कि उन्होंने ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को डिवेलप किया, जिसमें कि उन्होंने 1853 में फर्स्ट रेलवे जो है वो रूट बनाया मुंबई से ठाणे तक को। इन सेम ईयर ब्रिटिश स्टार्टेड टेलीग्राफ सिस्टम इन इंडिया, और इसी साल में उन्होंने इंडिया में टेलीग्राफ सिस्टम शुरू किया। ड्यू टू इट ऑल सिटीज़ एंड मिलिट्री स्टेशंस गॉट कनेक्टेड टू वन अनदर। और इसी के साथ ही जितने भी सिटीज़ और मिलिट्री स्टेशंस थे वो एक दूसरे से जुड़ गए। सिमिलरली द ब्रिटिश ऑल्सो स्टार्टेड द पोस्टल सिस्टम, और हमारे देश में पोस्टल सिस्टम भी ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया। ड्यू टू ऑल these developments there was a long term impact on social life of Indians. Due to this there was increasing sense of unity among them. अब देखिए, एक तरफ से तो कुछ डिवेलपमेंट हो रहा था जिसकी वजह से सोशल लाइफ जो थी इंडियंस की बहुत थोड़ी चेंज हुई और इससे वह थोड़े यूनाइट हुए। देखिए, यहाँ पर मुंबई ठाणे रेलवे जो है उसका एक पिक्चर यहाँ 1853 का दिखाया गया है, मुंबई ठाणे रेलवे। तो कुछ डेवलपमेंट्स की वजह से इंडियंस जो थे वह यूनाइट हुए। डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज इन इंडिया, द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑब्टेन्ड ह्यूज टैक्सेस ऑन गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड। ऑन द अदर हैंड वेरी लेस टैक्स वॉज इम्पोज्ड ऑन गुड्स इम्पोर्टेड फ्रॉम इंग्लैंड टू इंडिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट इतने ख़राब थे कि बहुत ज़्यादा टैक्स जो है यहाँ से जो एक्सपोर्ट किया जाते थे गुड्स उस पर लगाते थे, और जो गुड इम्पोर्ट होते थे इंग्लैंड से इंडिया के लिए उस पर बहुत कम टैक्स लगाते थे। इससे क्या होता था कि उधर का माल यहाँ लाकर बिक जाता था ब्रिटिशर्स का, लेकिन हमारा माल विदेशों में जाने के लिए बहुत महंगा पड़ जाता था, जिससे कि उनको, हमारे जो व्यापारी हैं उनको अच्छी कीमत नहीं मिल पाती थी। ऑल्सो द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड वर मशीन मेड एंड हेंस देयर वॉज मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट।
इंग्लैंड में जो कुछ भी गुड्स बनते थे वो मशीन से बनते थे, जिससे कि कॉस्ट भी कम होती थी, जो जिससे यहाँ पर हाई डिमांड कर दी जाती थी इंडिया में, और उनका जो है व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। टू कम्पीट विद सच चीप प्रोडक्ट्स वॉज डिफ़िकल्ट फॉर द इंडियन आर्टिजन्स। हमारे यहाँ के जो आर्टिजन्स थे, कारीगर थे, उनके लिए इतनी कीमत पाना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि हमारी जो चीज़ें थी वो विदेशों में बहुत महंगी जा रही थी और वहाँ की चीज़ें हमारे कंट्री में सस्ती आ रही थी। इवेंचुअली इट लेड टू क्लोजिंग डाउन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। इसकी वजह से हमारे जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके व्यापार पर बहुत फ़र्क पड़ रहा था और हमारे आर्टिजन्स अनएम्प्लॉयड होते जा रहे थे। Development of new industries in India. Due to the lack of British support, experience of management and capital, the Indian businessmen could not come forward in large number. अब ब्रिटिश सपोर्ट जो था हमारी कंट्री में ट्रेडर्स को नहीं मिल पा रहा था, बिजनेसमैन लोगों को नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से जो हमारी देश के बिजनेसमैन थे उनको आगे बढ़ना मुश्किल हो गया था। येट सम ऑफ देम बिल्ट अप देयर बिजनेस बाय ओवरकमिंग दिस प्रॉब्लम्स। लेकिन कुछ ऐसे बिजनेसमैन थे जो जिन्होंने इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया। इन 1853 कवास जी नाना भाई दावर स्टार्टेड द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल इन मुंबई। ऐसे समय में एक कवास जी नाना भाई दावर जो थे उन्होंने एक पहली कपड़ा मिल जो है मुंबई में स्टार्ट की। इन 1855 द फर्स्ट जूट मिल वॉज स्टार्टेड एट रीशा इन बंगाल। इसी तरह 1855 में एक और जूट मिल जो थी बंगाल में स्टार्ट हुई। इन 1907 जमशेद जी टाटा एस्टैब्लिश द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी एट जमशेदपुर। और ऐसे ही समय में 1907 में जमशेद जी टाटा ने भी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर में स्टार्ट की। इन इंडिया कोल मेटल्स शुगर सीमेंट एंड केमिकल इंडस्ट्रीज केम टू बी स्टार्टेड। और धीरे धीरे करके इंडिया में कोल की मेटल्स और शुगर सीमेंट और कुछ केमिकल इंडस्ट्री स्टार्ट हुई। सोशल एंड कल्चरल इफेक्ट। इन द 19th सेंचुरी यूरोप अ न्यू ईरा टुक शेप ऑन बेसिस ऑफ वैल्यूज लाइक ह्यूमैनिटेरियनिज्म डेमोक्रेसी नेशनलिज्म लिबरलिज्म एट्सेट्रा एंड दिस चेंज इन वेस्ट लेड टू ऑब्वियस रिपरकुशंस ऑन इंडिया। फॉर कैरिंग आउट एडमिनिस्ट्रेशन द ब्रिटिश हैड टू अंडरस्टैंड द इंडियन सोसाइटी। फॉर दिस पर्पज दे स्टार्टेड स्टडीइंग द ट्रेडिशन हिस्ट्री लिटरेचर एज वेल एज द म्यूजिक फ्लोरा फौना ऑफ इंडिया। अब ब्रिटिशर्स ने सोचा कि अगर हमको इंडिया में पैर जमाना है तो हमें यहाँ के ट्रेडिशन हिस्ट्री लिटरेचर सब कुछ हमें मालूम करना पड़ेंगे, तो उन्होंने सब करना स्टार्ट कर दिया। इन 1784 सर विलियम जोनस एंड इंग्लिश ऑफिसर स्टैब्लिश द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एट कोलकाता। मैक्स मूलर अ जर्मन थिंकर वॉज अ डिवोट स्कॉलर ऑफ इंडियन रिलीजन लैंग्वेज एंड हिस्ट्री। तो ऐसे समय में जब इस तरह का इंडियन कल्चर को की स्टडी स्टार्ट हो गई, तो ऐसे समय में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को इस्टेब्लिश किया गया और मैक्स मूलर जो थे जर्मन थिंकर वो बड़े स्कॉलर बने इंडियन रिलीजन लैंग्वेज और हिस्ट्री के। ड्यू टू दीज एग्जाम्पल्स देयर अराउज्ड फीलिंग अमंग न्यूली एजुकेटेड इंडियंस टू स्टडी इंडियन रिलीजन हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन। इस तरह से कुछ स्टडी इसकी वजह से अच्छे स्टडी को बढ़ाने वाले ऐसे कुछ जो हैं इंडियन रिलीजन हिस्ट्री और ट्रेडिशंस को बढ़ाने वाली इंडियन जो स्टडी है वह स्टार्ट की गई, जो कि एक अच्छा एग्जाम्पल थी। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड मैनी लॉज इन इंडिया। इन 1829 लॉर्ड विलियम बेंटिंक पास्ड द सती प्रोहिबिशन एक्ट। इन 1856 लॉर्ड डलहौजी पास्ड द विडो रीमैरिज एक्ट। तो ऐसे समय में कुछ एक्ट भी थे और ट्रेडिशंस थे हमारी कंट्री के, हमारे जो कंट्री में जो भी पुरानी प्रथाएं चली आ रही थी उसमें बहुत सारे करेक्शन किए गए, जैसे कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रोहिबिशन एक्ट पास किया। 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने विडो रीमैरिज एक्ट पास किया एंड दिस एक्ट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल रिफॉर्म्स, जिसकी वजह से हमारे सोशल कंट्री में सोशल रिफॉर्म्स आए, मतलब बदलाव आए। फॉर कैरिंग आउट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया द ब्रिटिश रिक्वायर्ड इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशन ऑफ लॉर्ड मैकॉली।
सॉरी इन 1835 इंग्लिश एजुकेशन स्टार्टेड बीइंग इम्पार्टेड इन इंडिया. तो इंग्लिश पढ़े हुए हमारे ही इंडियंस लोगों को इंट्रोड्यूस कराया गया. 1835 में इंग्लिश एजुकेशन स्टार्टेड किया गया इंडिया में. थ्रू न्यू एजुकेशन इंडियंस वर इंट्रोड्यूस टू वेस्टर्न थॉट्स. इसमें कि हमारे इंडियंस ने भी बहुत एजुकेशन लिया और वेस्टर्न थॉट्स को इंट्रोडक्शन मिला. मॉडर्न रिफॉर्म्स आए, आधुनिकता आई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारी कंट्री में आई. इन 1857 यूनिवर्सिटीज़ वर एस्टैब्लिश्ड एट कोलकाता, मुंबई एंड मद्रास. तो 1857 में कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी बनी जो मेनली सिटीज़ में, जैसे कोलकाता है, मुंबई है, मद्रास में बनी. द वेस्टर्न एजुकेटेड मिडिल क्लास इंडियंस लेड द सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट इन इंडिया. और इस तरह से वेस्टर्न एजुकेटेड जो मिडिल क्लास इंडियंस थे उनकी वजह से सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट हुआ, मतलब चेंजेस आए. तो यह था आपका लेसन. इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी. तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग इट.